प्रवासी प्रकोष्ठ मुकुंदगढ़ आ जाने का मौका मिला। हमारे सभी यहाँ के भाइयों से मिलने का एक बहुत ही सुखद अनुभव प्राप्त हुआ। प्रवासी प्रकोष्ठ के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जितने भी भाई हमारे मुकुंदगढ़ से, राजस्थान से बाहर और देश और विदेश में बसे हुए हैं, उनको अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से यहाँ पर जोड़ के रखना है। उनकी कनेक्टिविटी बनी रहे, जब भी वो आए यहाँ पर तो उनको पूरा मान सम्मान आदर सत्कार से उनका सम्मान हो, तो उनके मन में एक फीलिंग रहेगी कि हाँ भाई, मेरे पुरखों की जो जगह है उसमें मुझे भी आज वही मान सम्मान मिल रहा है जो हमारे बड़े बुजुर्गों को मिलता था। तो हम कनेक्टिविटी बना के रखेंगे, जब भी इलेक्शन आएंगे तन मन धन से सभी प्रवासी भाई जो भी मुकुंदगढ़ और झुंझुनू इधर के हैं, वो हमारे को उस समय खड़े मिलने चाहिए तन मन धन से। और बीजेपी के आइडियोलॉजी को जाने, जो लोग बीजेपी से कनेक्ट नहीं है उनको बीजेपी से कनेक्ट भी करना है, जोड़ के रखना है। मोदी जी ने आज जो देश और दुनिया में नाम कमाया है, वो काम के द्वारा कमाया है, कड़ी मेहनत के द्वारा कमाया है। तो हम आज उन्होंने ये काम करना सिखा दिया, मेहनत करना सिखा दिया, और अब उन्हीं लोगों की वैल्यू है जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं।